हेलो नमस्कार, रणवर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि विद्वान और अतिथि विख्याताओं को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही। महापंचायत में स्पष्ट बोला गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि अतिथि शिक्षक सभी अतिथि विद्वान सभी योग्य हैं वो नियमितीकरण किए जाएंगे और नियमितीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ में जल्द से जल्द की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बोला है कि अतिथि विद्वान विख्याता नियमित करने के योग्य हैं, इनको नियमितीकरण किया जाना चाहिए और उनका वेतन डबल कर दिया गया है और नियमित शिक्षक भर्ती में आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है अतिथि विद्वानों के लिए। और शिवराज सरकार ने बहुत सी घोषणा की है अतिथियों के लिए, उनने बोला योग्य अतिथि विद्वान और शिक्षक नियमित होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहा गया शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो अच्छा लगे आप तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। वीडियो पूरा जरूर देखें क्या कहा गया है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मोहन यादव जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और हम भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का साथ ही निवेदन अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री केसी गुप्ता जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब हम निवेदन करेंगे आयुक्त उच्च शिक्षा श्री कर्मवीर शर्मा जी से कि वे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। कर्तव्य ध्वनि बजती रहनी चाहिए। सम्मान्य अतिथिगणों के लिए श्री अनिल राजपूत जी से निवेदन। माननीय श्री शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल का स्वागत करें। श्री अनिल राजपूत जी स्वागत करें माननीय शिव कुमार चौबे जी का। निवेदन श्री जी आर गांगले जी से कि वे माननीय श्री सुल्तान शेखावत कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त का भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। निवेदन श्री धीरेन्द्र शुक्ला जी से कि वे रमेश चंद्र शर्मा जी कैबिनेट मंत्री प्राप्त का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। और अब अतिथि विद्वान एवं अतिथि व्याख्याता के पदाधिकारी गण एक गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, डॉक्टर बी एल दोहरे, डॉक्टर देवराज सिंह, डॉक्टर गीत सिंह, डॉक्टर दीपिका तिवारी, डॉक्टर पार्वती व्याग्रे, ऋषभ, मनीष और दिनेश जी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। और जिनका नाम पुकारा गया है कृपया वही मंच पर रहें। ये उत्साह के पल हैं, उत्सव के पल हैं सभी अतिथि विद्वानों के लिए और जिसको संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और अतिथि विद्वान गणों के पदाधिकारी गण पूरी उत्सुकता से उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन करना चाहेंगे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का और निवेदन करते हैं उनसे कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हैं। और अब विनम्र निवेदन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी का कि और निवेदन करते हैं कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आज का दिन मैं उज्जैन से आता और भाई साहब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन से आए बाबा महाकाल की नगरी से। जोरदार तालियां बजाइए। आज शाही सवारी निकल रही उज्जैन में और बाबा महाकाल में अटूट श्रद्धा आस्था के कारण से हमारे लिए आज का दिन अविस्मरणीय हो गया, ऐतिहासिक हो गया है। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी हम सब जाने हैं और कैसा सुखद संयोग है बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, अटूट आस्था भी है और हमारा ये जो राज चल रहा है वो भी शिव का राज चल रहा है। हम सब आपके माध्यम से वो जो हमारे मन में उदारता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रदेश उन्नति करता जाए, आगे बढ़ता जाए, समान रूप से जीवन की जो जो जरूरतें उसकी पूर्ति भी करता रहे,
मैं आपने इस उच्च शिक्षा विभाग में आज की इस पंचायत में विशेष रूप से आप सबके माध्यम से एक बार खड़े होकर के जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें आज की इस अद्वितीय पंचायत को लेकर के। सच मानो मित्रों, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया था, हम सब जानते हैं, कई सारे ट्वीट, कई प्रकार की आपकी अपनी वो यह कठिन यात्रा रही है पुराने काल के समय में, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो सारे हिसाब रखते हैं जिसके माध्यम से सबके जीवन कठिनाइयों को दूर कर सके। और आज के इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं, मैं खासकर उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते से आपका ये दर्द भी जानता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जब सरकार दोबारा बनी तो दोबारा बनने के तुरंत बाद कोविड का कठिन समय चालू हुआ, और कोविड के कठिन समय में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि कॉलेज सब बंद, पूरा बाजार बंद, समाज की सारी व्यवस्थाएं ठप, ऐसे में अतिथि विद्वानों को भी क्यों बुलाना चाहिए। विभाग की तरफ से भी यह प्रश्न खड़ा हुआ कि हम घर बैठे तनख्वाह कैसे देंगे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही हृदय है। उन्होंने कहा, मोहन जी, अपने को किसी को बेरोजगार नहीं करना है, जो जहां से बैठा है, जिसको जिस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाना तो ऑनलाइन पढ़ाइए, लेकिन किसी को भी घर नहीं बैठने देना चाहिए। एक बार फिर मैं उनकी उदारता के लिए आपसे वंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी मानता हूं। और वो दिन है कि आज का दिन है, हमारे पास लगातार उच्च शिक्षा विभाग ने एक के बाद एक कितने प्रमुख और ठोस निर्णय किए हैं, जिसके कारण से पूरे देश में उच्च शिक्षा विभाग हमारे अग्रगण्य देश के 5 राज्यों में से एक उच्च शिक्षा विभाग आप सबके कारण से आपके कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से नंबर 1 की स्थिति में हम आए, जिनने सबसे पहले नई शिक्षा नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 2020 की जो हमारे सबके सामने ड्राफ्ट आया था, आज मॉडल राज्य के नाते से हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 10,000 प्राध्यापकों में से आधे की संख्या आपकी अपनी है, जिनके कारण से हमारा विभाग इस शिक्षा नीति को लागू कर पाया। और अभी अभी आपके कुशल नेतृत्व में हमारे लगभग 54 नए महाविद्यालय खुले हैं, और 54 नए महाविद्यालय में हमारे अपने अतिथि विद्वानों के माध्यम से हमने हर जगह हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अतिथि विद्वानों ने कई बार अलग अलग प्रकार से ज्ञापन भी दिए, कहा भी है कि हमारे अपने लिए ये खास करके अतिथि विद्वान के लिए ये जो योग्यता न्यूनतम है वो सारी हासिल करते हैं, लेकिन इनके जो अपने कई प्रकार की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं आपके पक्ष की बात कहता हूं कि हमारे जो जितने अतिथि विद्वान है वो सारी योग्यता रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप ऐसा कुछ करिए जिसके माध्यम से इनके आने समय में इनके द्वारा की गई इस विभाग में सेवा का भी हम ठीक से मूल्यांकन कर पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उदारता के कारण से ये सारे यहाँ मौजूद है। इनके लिए जो वेतन है, उस वेतन की जो व्यवस्था है, वो मानदेय भी बढ़ना चाहिए, ये भी डिमांड मैं आपसे करता हूँ, ताकि अपने सम्मानजनक तरीके से अपना जो नाम है अतिथि विद्वान, वो अतिथि विद्वान की विद्वत्ता के नाते से एक सम्मानजनक तरीके से इनको वेतनमान भी मिलना चाहिए। एक कठिनाई इनके सामने ये भी है कि पीएससी में जा रहे हैं, कई सारे लंबे समय से अपने अलग अलग आयु की मांग भी ये करते हैं, तो आयु सीमा भी बढ़ना चाहिए ताकि उसका लाभ भी मिले, ताकि पीएससी में जब जाए तो आयु सीमा इनको अपने जो अभी 5 साल का ये कम पड़ती है, इसको भी बढ़ने की मैं आपसे मांग करता हूँ। साथ ही साथ कोशिश करता हूँ कि जनभागीदारी के माध्यम से भी जो अतिथि विद्वान है, ये जो फाइल एंड आउट होने वाली संकट रहता है, इससे भी इनको मुक्ति मिलना चाहिए, ताकि ये अपने स्तर पर हमारे अपने दायरे में। लेकिन इसके लिए सिस्टम ये है कि हमारा अपना जो अभी तक का चला हुआ सिस्टम है, जिसमें हम ओपन रूप से इनके अपने आवेदन मंगाते हैं, मैं आपसे तमाम प्रकार की संभावना तो बहुत है, और माननीय मुख्यमंत्री जब तक है सारे समस्या हल करेंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी ओर से आभार मानता हूँ, जिन्होंने ये पंचायत बुला करके हम सबको मौका दिया है। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी की इस उदार हृदयता के लिए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं उज्जैन से हूँ, जब तक कार्यक्रम मत रोकना, सबको भोजन पानी का प्रबंधन करा करके ये हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, कि जब कार्यक्रम होता है तो अंदर की आत्मा से होता है। मैं आज अपने विभाग की ओर से इस पूरे आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वागत भाषण के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे, जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अपनी कथनी और करनी को साक्षात करते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं उद्बोधन के लिए। भारत माता की, अतिथि विद्वानों की, अब इसमें तकनीकी भी हो गए और कौन कौन से रास्तों में कह रहे थे हम भी हैं सबकी जय।
आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे कर्मठ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सामान्य वर्ग आयोग के हमारे अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी हमारे मध्य प्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष, रमेश चंद्र शर्मा जी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष, हमारे मनु और केसी मनु श्रीवास्तव, केसी गुप्ता देवराज जी, डॉक्टर विजय राजौरिया जी, श्रीमती नीमा जी, सुरजीत जी, बनवारी लाल जी, सुश्री लक्षारी दास जी, ऋषभ पटसेरिया जी और मेरे सभी अतिथि विद्वान बहनों भाइयों भांजे भांजियों, बड़ी देर भई नंदलाला। बाकी पंचायत तो मैंने बुलाई लाल परेड ग्राउंड पे, लेकिन आप विद्वान हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए मैं आपको गुरु का दर्जा देता हूं और इसलिए गुरुओं को मैंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री पे। आप सबका हृदय से स्वागत है। भाई मोहन जी विस्तार से बता रहे थे कि आपने उच्च शिक्षा की मशाल को इतने वर्षों तक जला के रखा और आप वही योग्यता रहे हैं जो हमारे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स व्याख्यातागण रखते हैं, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैं जहां जहां गया अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले, और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। एक जगह का नाम भूल गया, जब मैं गया कॉलेज भवन का शायद धार जिला था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, जिला मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक कॉलेज के भवन का उद्घाटन करने गया तो मेरी दो बहनें जो अतिथि विद्वान थी उनने मिलने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से उत्कंठा होती है, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो, वो आई है क्या आस्था में भी और एक जगह भी ये खड़ी है। शायद मैंने बड़े बाद में जब चाय पीने में प्रिंसिपल साहब के कमरे में गया तो इन दोनों को बुला के इनके सिर पे हाथ रखा और उस दिन तय कर लिया था कि आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस जाए सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट, अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा, उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर। लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए इसलिए मुझे लगता है कुछ कदम और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूसीजी के गाइड लाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है, मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% आरक्षित करूंगा। उसमें कुछ प्रक्रिया के बाद हमको फेर बदल करना पड़ेगा, उसके मैं निर्देश दूंगा। और अभी आपको
प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20, इतने नंबर दिए जाते हैं ना अतिरिक्त, और पेपर टोटल होता है कितने का, 900 का होता है, तो इसलिए ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि अधिकतम शामिल हो सके। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4,500 लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है, और इसलिए हम यह व्यवस्था बनाएंगे कि अब फॉलन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सके। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे हैं, आईटीआई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी है व्याख्याता भी है सब है। तो जो मैंने 50,000 की बात तकनीकी के लिए भी कही वो लागू होगी, बाकी बात भी लागू होगी, और अतिथि प्रवक्ता भी है क्या, कुछ ये अलग है कुछ क्या, अतिथि प्रवक्ता अलग है। अभी इनको कितना दे रहे हैं, 14,000 का। अच्छा, उनका प्रपोजल सर है कि आप बढ़ा के सर 20,000 तक कर सकते हैं। चलिए उनका भी वेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा, मानदेय उनका। मित्रों मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आज मुझे लगता है लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, सार सार की बात मैंने बोल दी। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और बच्चों के भविष्य को भी आप बेहतर से बेहतर बनाने के काम में जुट जाएं, यही मेरी अपील है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, और आप भी मेरे परिवार के अभिन्न अंग है, इसलिए आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जाइए अब निश्चिंता के साथ, बेहतर शिक्षा देने के काम में आप लग जाइए, आपकी चिंता हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अनूठी सौगातें आपने अतिथि विद्वानों को दी है, और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, उच्च माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, हमारे सभी अतिथि विद्वानों की ओर से बहुत बहुत दोनों विभागों समस्त विभागों के द्वारा मेरे खास सारी समस्याएं जो उच्च शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा कौशल सभी की समस्याओं का निदान कर लिया गया है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारेंगे, बीच का कॉरिडोर खाली कर दीजिए। सभी विद्वानजनों से निवेदन है कि बीच का कॉरिडोर खाली कर दीजिए। आज बहुत ही बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको भेंट स्वरूप दी है, अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को संबोधित किया, और कई सारी अनूठी घोषणाएं जिससे नया सवेरा अब अतिथि विद्वानों के जीवन में आएगा। आप सभी से निवेदन है कृपया बीच का कॉरिडोर खाली कर दें, और आप लोग अपने स्थानों पर बैठे रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारेंगे। निवेदन आपसे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, और बीच का जो कॉरिडोर है उसको खाली छोड़ दें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारेंगे। हृदय से हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने अनूठी घोषणाएं की। साथ ही में हमारे बीच पधारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष सामान्य वर्ग आयोग, माननीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, माननीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, और
विभिन्न संघों के पदाधिकारीगण जो मंच पर उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद। कृपया व्यवस्था बनाए रखें और सभी विद्वानजनों से निवेदन है कि बीच का कॉरिडोर खाली छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए, जो नहीं समझे होंगे तकनीकी शिक्षा कही उसका मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होता है, पॉलिटेक्निक ही तो होता है, तो पॉलिटेक्निक होता है तो उसमें काई थी। और इसलिए ऐसे बात मैंने जो कही तकनीकी शिक्षा मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में भी कही और ITI के बारे में कही और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी कही, कोई को नहीं छोड़ा मैंने। सभी अतिथि विद्वानों के लिए अनूठी योजना, अनूठी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही और सभी के बीच हम उत्सव का माहौल देख सकते हैं। बेहद उत्सुक है, बेहद प्रसन्न है सभी अतिथि विद्वान जन, अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अगर आप चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए तो कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाए और बीच का कॉरिडोर खाली छोड़ दें। आज का दिन बहुत ही खास था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनूठी घोषणाएं की, अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का। अनूठी सौगातों के साथ वे हमारे बीच पधारे और अतिथि विद्वानों को संबोधित किया, उनके प्रयासों को सराहा। आपकी मेहनत रंग लाई और निश्चित ही आपके प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश। आज़ादी के इस अमृत काल में हर क्षेत्र में, विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अपनी अनूठी योजनाओं से जन जन को लाभान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप सभी